हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ये एक छोटी सी कैप बनानी बताऊंगी, जिसमें मैंने ये क्रोशे से डिज़ाइन डाला है। ये देखने में सिलाई जैसा लगता है कि सिलाइयों से डाला है, लेकिन मैं इसको क्रोशे से आपको बताऊंगी। ये सबसे छोटे बच्चे, जैसे कि बॉर्न चाइल्ड बेबी होता है, उसके लिए ये मैंने ये कैप बनाई है। ये 0 साइज़ है और इसमें मैंने यहाँ पर 35 चैन डाली हैं। तो ये चैन से शुरू होता है, जिसमें ये डिज़ाइन मैंने स्टार्ट किया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये डिज़ाइन मैं आपको बनाना बताती हूँ। इसके लिए मैंने ये इतना लंबा पीस बनाया है। यहाँ पर मैंने 35 चैन डाल के ये डिज़ाइन शुरू किया है। इसमें क्या करना है कि जब सिंगल क्रोशिया लेना है हर लाइन पर, इसमें डबल क्रोशिया यूज़ नहीं करना। और जब डबल ये चैन जब ऊपर नज़र आती है, ये सिंगल क्रोशिया बनाने पर ये ऊपर चैन जो नज़र आती है, तो ये इस पीछे की साइड से इसको लेना है। सिंगल क्रोशिया रखना है। देखिए, मैंने ये डबल नहीं किया, ये सिंगल रखा है और ये पीछे वाले हिस्से से इस तरह से लेना है। ये देखिए, एक बार फिर से बता देती हूँ कि पीछे की तरफ से इसको लेना है। हर बार सिंगल क्रोशिया रखना है, डबल नहीं करना है। ये पीछे वाले हिस्से से इसको करना है। ये मेरी लाइन यहाँ पर कंप्लीट हुई है। दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ दूसरी लाइन से। इसके लिए क्या करना है कि फिर से ये जो है लाइन, जैसे ये कंप्लीट हो जाती है और ये चैन इस तरह से बन जाती है। आप हल्का से इसको मोड़ के ऐसे देख सकते हैं। ये चैन जो बनी हुई है, इसी में आपको पीछे की तरफ से लेना है। इसमें डबल क्रोशिया यूज़ नहीं करना। ये मैंने पीछे की तरफ से उठाया है। हर बार पीछे की तरफ से उठाकर सिंगल क्रोशिया करना है। ये फिर से इसी चैन पर पीछे की तरफ से, ये हर उल्टी सीधी सिलाई पर आपको पीछे की तरफ से ही इसको लेना है, बैक साइड से। ये देखिए, तो बैक साइड से इसको ऐसे लेंगे तो ये डिजाइन इस तरह से उभर कर आ जाएगा। बहुत ही इजी डिज़ाइन है और बनने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात, ये डिज़ाइन जो है स्ट्रेचेबल है। बच्चे को जब सिर पे उड़ाया जाता है कैप को, तो बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस आती है इसमें, चुभती नहीं है ये बिल्कुल भी। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके आप मुझसे मालूम कर सकते हैं। ये पूरी लाइन हो गई है, ये देखिए आप, सेम ये डिज़ाइन। और अब मैं इसको खींच कर भी आपको दिखा देती हूँ कितनी अधिक स्ट्रेचेबल है। ये देखिए, छोटे बच्चे के लिए, अगर किसी का सिर बड़ा है या छोटा है, तो बहुत आसानी से ये एडजस्ट हो जाता है। जब इतना बड़ा पीस बनाने के बाद इसको क्या करना है कि ये आपस में इस तरह से इसको सिलना है। ये आपको दो साइड से सिलना है। तो ये मैंने जो है इसमें, इस छोटी सी कैप में मैंने दो चोटी लगाई हैं। मैं आपको चोटी के विषय में बताऊंगी। तो उस चोटी को बनाने के लिए मैंने क्या किया है कि सबसे पहले मैंने ये इस तरह से डोरी बनाई है। तो ये डोरी जो मैंने बनाई है, तो उसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने ये ऊन को इस तरह से, ये देखिए, ये इतनी 0 साइज़ के लिए इतनी बड़ी डोरी काफ़ी होती है। तो ये मैंने क्या किया है कि इस तरह से डोरी को बनाया है। ये देखिए, इस तरह से पकड़ के ये, और ये मैंने
जितनी मोटी आप चोटी बनाना चाहें, मैंने पतली बनाई है क्योंकि ये छोटा साइज़ है। इस तरह से आप इसको फोल्ड करते जाइए। ये देखिए, ये ऐसे फोल्ड करते जाना है। तो इसको मैंने करीब 15 बार फोल्ड किया है। आप मोटी चोटी बनाना चाहें तो मोटी बना सकते हैं, छोटी बनाना पतली बनाना चाहें तो इसमें कम बल दे सकते हैं। मोटी बनाने के लिए ज़्यादा बल आएंगे इसके अंदर। तो इसके लिए क्या करना है कि जब मैंने इसको ऐसे ये बना लिया है, ये देखिए, ऐसे बनाने के बाद इसमें मैंने ऊपर की तरफ ये गांठ लगा दी है। और ये गांठ लगाने के बाद अब इसको हमें चोटी के रूप में गूंथना है। तो अब इसके हम 3 हिस्से कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने ये 3 हिस्से इसके किए हैं, बराबर बराबर 3 हिस्से किए हैं इसके। ये इस तरह से मैंने इसके 3 हिस्से किए हैं। तो इसमें क्या करना है कि एक बार इसको ऐसे करना है और एक बार इसके ऊपर ऐसे लेना है। आप चाहे तो किसी दूसरे की हेल्प लेकर भी इसको पकड़ सकते हैं, या फिर किसी कुंडे में अटका कर भी आप इस चोटी को बना सकते हैं। मैंने इसे अकेले अपने आप ही किया है इस तरह से। ये उंगली को ऐसे, एक बार उंगली ऐसे लेनी है और एक बार नीचे से ऊपर लेनी है। ये देखिए, बहुत ही आराम से बन जाती है। ये बहुत सुंदर लगती है लगने के बाद। छोटे बच्चे की छोटी-छोटी दो चोटी सी लग जाती है कैप के अंदर। जब ये कैप बच्चे को पहनाई जाती है तो बहुत ही सुंदर लगती है। ये देखिए, अकेले आप बना सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका एंड मैं आपको बता देती हूँ। इसको क्या करना है कि ये लास्ट में जब ये चोटी आपकी पूरी गुथ जाएगी तो आप इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करके आप इसके अंदर से इसको ऐसे निकाल देंगे। ये देखिए, बहुत ही आसानी से ये बन जाती है। ये देखिए, बन गए ना नीचे ये फुंदने भी आराम से बन जाते हैं। सेम ऐसी ही मैंने एक और बना रखी है। ये देखिए, ये मैंने बना रखी है सेम ऐसे ही। तो ये दोनों हिस्सों में मुझे इसको लगानी है। मैंने यहाँ पर कुछ नक का प्रयोग किया है इसमें। आप चाहे तो मोती लगा सकते हैं। मैंने इस तरह के नग का पैकेट आता है जो मैंने इसमें यूज़ किए हैं। आप चाहे तो इसमें मोती लगा लीजिए, या कोई भी चीज़ आपके पास फैंसी है तो लगा सकते हैं, और नहीं लगाना चाहे तो कोई बात नहीं है, सिंपल भी इसको बना सकते हैं। अब मैं इसको आपको लगाने का तरीका बताती हूँ। इसके लिए सबसे पहले ये कैप मैंने जो ये बनाई है, तो आप इसको क्या करेंगे कि पहले आप इसको यहाँ पर इसका एंड कर देंगे। ये धागा यहीं पर हमें इसको बंद करना है, तो ऐसे इसको बंद कर देंगे। और फिर इसको इस तरह से दो साइड से सिलना है। इसके लिए मैंने इस तरह की मैटी की सुई का यूज़ किया है, जिसे बुनाई की सुई भी कहते हैं। इसमें मैंने ये धागा प्रो रखा है। और अब क्या करना है, जो ये कोने का धागा छूटा हुआ है इसमें ये धागा ऐड करना है, और एक साइड से इसको इस तरह से सिलना है। ये किनारे किनारे से इसको सिलते जाना है। 5 minutes later, ये देखिए, ये इस तरह से सिलना है इसको। ये आ रहा है आपको नजर। ये एक साइड से इस तरह से सिलने के बाद क्या करना है, जब हम इस कोने पर आ जाएंगे तो हमें ये चोटी अंदर की तरफ से लगानी है। इसके अंदर से ये चोटी यहाँ पर इसको इसके साथ सिलना है। ये यहाँ पर ये इसके साथ अंदर से सिलना है, ताकि जब हम इसको सीधी करेंगे तो ये बिल्कुल
सही आएगी। ये इस कोने पर रखने के बाद ये इसको यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। 5 minutes later ये देखिए इस तरह से सिलने के बाद, ये अंदर से सिलनी है, तब सीधा करने के बाद ये चोटी इस तरह से बाहर की तरफ नज़र आएगी। आपको ज़रा भी मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो प्लीज़ इसे कमेंट करके आप मुझसे मालूम कर सकते हैं। ये 0 साइज़ में है। ओके, बाय बाय एंड थैंक यू।